30 दिन के बाद पहली बार पापा व्हील चेयर में घूम रहे हैं। आ रहा है मजा आ रहा है। फाइनली आज पापा ने ना चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज सुबह सुबह आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कहां पे हूं। ये मैं एक ट्रेन की पटरी के आसपास घूम रहा हूं। एक्चुअल में क्या है ना, सुबह सुबह मतलब अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 या 5 बज रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ पिछले 30 दिन से। और मेरे पीछे आपको वो हॉस्पिटल दिखाई भी दे रहा होगा। रात भर तो पापा के साथ बैठा हुआ था, पापा का हाथ पकड़ के ना, क्योंकि रात भर पापा सोते नहीं है, बात करते रहते हैं। पता नहीं क्योंकि पापा के जो सर में चोट लगी है ना, उसकी वजह से वो कॉन्शियस नहीं है इतने। मतलब उनके पैर का ऑपरेशन तो हो ही गया है। पिछले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि उनकी जो बोन फ्रैक्चर थी ना पूरी प्लेट, उसमें आपका स्टील की प्लेट पड़ी है पापा की। और कल का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से पापा, अब हम उम्मीद करते हैं कि आज या कल में ना हल्का फुल्का डॉक्टर उनको थोड़ा बहुत चलाएंगे, कम से कम 10-20 कदम चलाएंगे, ताकि वो देखेंगे कि चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, हड्डी मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही, या कोई दिक्कत है, वो सब चीज़ें तो अब आगे होंगी। फिलहाल जो उनका पेन था ना, छोटा सा भी हल्का सा भी वो पाँव हिलता था ना, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो वो रात भर सोते भी नहीं थे। तो भैया ऑपरेशन की रात थी भाई, जैसे तैसे ना पूरी रात भर दर्द से ना वो चिल्लाते रहे, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना तो उस रात को ना भाई बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो पूरी रात पापा नहीं सोए। अब जाके पापा आराम से, मतलब सुबह सुबह सोए थे, मतलब 3:30-4 बजे के आसपास पापा को नींद आ गई थी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह टहल रहा हूँ, देखो सुबह सुबह भाई क्या मौसम है। देखो भाई दिन रात हॉस्पिटल के अंदर बैठे बैठे ना उन दवाई की बदबुओं को सूंघते सूंघते मेरे ना सच में सर में इतना दर्द रहता है। मुझे जब भी मौका मिलता है ना, मैं आ जाता हूँ घूमने के लिए बाहर की तरफ को। तो अपने सोचा कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक थोड़ा टहल लेते हैं, जब तक पापा आराम से सोए हुए। तो पापा उठेंगे 7, 7:30, 8, 9 बजे तक। तो चलो यार, बाकी पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग ना मुझसे बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जो रोहित पहाड़ी हर महीना कहीं ना कहीं स्टेट टू स्टेट या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता है, वो पिछले 1 महीने से लगातार हॉस्पिटल के अंदर है। और बहुत सारे लोग तो मेरे पापा के लिए प्रे कर रहे थे, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे रोहित भाई तुमको हमने ट्रैवलिंग के लिए फॉलो किया है और आप रोज़ रोज़ हमें हॉस्पिटल दिखा रहे हो। तो भाई ऐसा है ना, सारी चीज़ों से पहले आते हैं माँ बाप परिवार, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं। मैं आज यूट्यूब कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से लाखों रुपए जो मैं कमा रहा हूँ, आगे जाके जो भी कमाऊंगा उससे मैं जो खुशियाँ दूंगा वो अपने घर वालों को दूंगा। अगर अभी मैं अपने घर वालों की केयर नहीं करूंगा, अपने घर वालों को ही नहीं बचाऊंगा, तो फिर मैं आखिर पैसा कमाऊंगा तो कमाऊंगा किसके लिए। तो ये सोच के पिछले 1 महीने से पापा के साथ हूँ, और जब तक पापा हॉस्पिटल में रहेंगे तब तक मैं हॉस्पिटल में रहूँगा। पापा को एकदम ठीक ठाक करने के बाद ही यहाँ से घर लेके जाऊँगा, उसके बाद जाके फिर अपना यूट्यूब वीडियो शुरू करूँगा, अपना ट्रैवलिंग शुरू करूँगा, जो भी करूँगा पहले प्रायोरिटी पापा है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं पापा के पास, क्योंकि पापा का ना आधे घंटे में उठने का टाइम भी हो जाएगा। फिर उनको चाय पानी पिलाएंगे बढ़िया तरीके से, आज उनकी शेप भी करनी, मतलब उनकी दाढ़ी ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। चलते हैं पापा के पास। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 8:30 और पापा के उठने का समय हो गया। तो पापा के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया ऑमलेट बना के, तो जाके पापा को नाश्ता कराते हैं और उठाते हैं। तो फाइनली भाई अब टाइम हो चुका है पापा को ना चलाने का, मतलब ऑपरेशन हुए कम से कम आपका 48 से 50 घंटे कंप्लीट हो गए। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि आज आप पापा को ना हल्का हल्का चलाने की कोशिश करना। तो एक काम करते हैं, पापा को रूम से निकालते हैं और वॉकर में हल्के हल्के चलाते हैं, वो चल पाते हैं नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो पापा को ना चलाने की कोशिश कर रहे हैं वॉकर पकड़ के, अब पापा ना बात नहीं मानते हैं, उस पापा की दिक्कत है, पापा बोलते बहुत ज़्यादा हैं। पापा चलो आओ, चलो पापा चलो, कोशिश करो और पैर आगे रखो पैर। बस समझ नहीं पा रहे क्या करना है, एक तो पापा के ना सर पे चोट लगी हुई है। हल्के 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 आओ, हल्के हल्के आओ, चलो चलो चलो, ठीक है। तो भाई पापा को ना थोड़ी देर कुछ कदम पापा को चलाने के बाद ना पापा थक जाते हैं, तो कुर्सी में ऐसे बैठाना पड़ता है। कितनी दिक्कत होती है, बस रुको। चलो 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 भाई चलो, आज फाइनली आज पापा ने ना चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पापा को ना समझ नहीं आ रहा कि चलना कैसे, हालत भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो चलने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो भैया जी पापा को ना अभी हमने चलाया आपका वॉकर में ना, वो समझ नहीं पा रहे कि कदम कैसे रखना है, क्योंकि उनके दिमाग की स्थिति ना बिल्कुल भी अभी इतना सेंस में नहीं है कि उनको चलो बोल रहे तो वो कदम आगे रखे, मतलब वो कभी पैर उठा दे रहे हैं, तो ऐसे में ना उनको और तकलीफ होती है। तो अभी उनको थोड़ी देर व्हील चेयर में घुमाना है। तो भाई ये पापा को लेकर हम जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक, जो आपका चिकित्सक होते हैं, मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं ना,
वो पापा के दिमाग का पूरा चेकअप करेंगे कि आखिर पापा को दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो आज पहली बार पापा, मतलब 30 दिन के बाद पहली बार पापा ऐसे खुले आसमान में जाएंगे, तो व्हील चेयर लेके चलते हैं डायरेक्ट, उनको घुमाते हुए ले आते हैं पूरा, कहते हैं डॉक्टर के पास, और इस सारी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है क्यों। तो भैया ये लोग सामने आ गए हैं पापा को व्हील चेयर में, हल्का फुल्का थोड़ा बाहर की तरफ घुमाने के लिए लेके आ रहे हैं ताकि उनका थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। कैसा लग रहा, मजा आ रहा है? मजा आ तो रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, बहुत स्लोली आ रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल के सारे लोग मिलते हैं, सब जानने लग गए पापा को, तो पापा जिस जिस वार्ड के आगे से निकल रहे हैं, हर कोई भैया मिलने के लिए आ रहा है। चलो ठीक है, सबको बाय बाय कर दो। तो चलो पापा को ना साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, और पापा का देखते हैं आखिर क्या पापा के सर में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ना पापा को ना आपका घुमाना बहुत जरूरी है, वरना एक रूम में बैठे बैठे छत को देखते देखते ना दिमाग इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता है, तो इनको इधर उधर घुमाना बहुत जरूरी है। तो भैया अभी पापा को ना मैं आपका बाहर घुमा रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ना, अभी साइकेट्रिस्ट ने बोला कि पापा को ना दिन और रात के टाइम पर आपको व्हील चेयर से घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैं पापा को लेके चल रहा हूँ, अभी घुमाता हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, आधा घंटा बाहर घुमाता हूँ, फिर उसके बाद रूम में लेके चलेंगे, क्योंकि दिन और रात का पता भी चलना चाहिए इनको। मजा आ रहा है पापा? आ रहा है, मजा आ रहा है ठीक भैया, आ रहा है मजा आ रहा है ना ठीक है चलो फिर। तो भैया पापा को ना बाहर ग्राउंड में घुमा के अब मैं आपका हॉस्पिटल के अंदर की तरफ ला गया हूँ। बाहर बहुत धूप सी आ रही थी, हल्की सी गर्मी लग रही थी, तो पापा को यहाँ घुमा रहे हैं। अब पापा को पेपर वेपर दिए हैं, पापा से पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पापा क्या लिखा है ये। मोदी डॉक्टर ने बोला कि इनसे पूछना ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ये क्या सब चीजें, तो इसलिए हम टाइम पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपका साइकेट्रिस्ट के पास गए थे ना, तो उन्होंने ये बोला कि आपके पापा को ना अंदर बाहर ऊपर नीचे चिड़िया पानी पेड़ आकाश जमीन दिन रात सब कुछ दिखाओगे तो उनको पता चलेगा कि भैया आखिर क्या क्या चीजें होती है, ताकि उनकी याददाश्त जल्दी आए, वरना अगर वो दिन भर लेटे रहेंगे ऊपर छत देखेंगे ना तो फिर वो कुछ पहचान नहीं पाएंगे, और हमेशा पिछले एक महीने से बाबा बिस्तर में बैठे हुए थे, तो शायद इसकी वजह से भी उनकी याददाश्त ना जल्दी वापस नहीं आ रही है। तो अब हमने सोचा कि हम पापा को ना सुबह और शाम दो टाइम ना पूरा घुमाएंगे, रोड में, पार्क में, हॉस्पिटल में। अभी तो आपका दिन का समय हो गया था, तो हल्की धूप आ गई थी, मैं अंदर ले आता हूँ, अंदर लेके आ गया। अब एक काम करता हूँ, पहले पापा को खाना खिलाता हूँ, ताकि फिटनेस भी रहेगी और याददाश्त भी रहेगी और घूमना फिरना भी रहेगा, तो पापा जल्दी रिकवर हो जाएंगे ठीक है। तो भाई पापा के लिए खाना वाना आ गया। भाई पापा के खाने में आज दाल है, खिचड़ी है, रायता है, सब्जी है, और सुबह मैं आपका ऑमलेट लेके आया था ना पापा के लिए, उस समय पापा सो गए थे, कितना उठाया पापा को उठा ही नहीं, अब दिन के खाने के टाइम पे पापा को ऑमलेट भी खिला रहे हैं। कैसा हो रहा खाना? ऑल राइट गाइस, तो पापा को खाना वाना सब कुछ खिला दिया, और आज पापा को चलाया, व्हील चेयर में घुमाया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा आज, मतलब 30 से 31 दिन बाद पहली बार पापा मतलब चले, अपने पैर पर खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा, व्हील चेयर पर घुमाया। अब दो चार दिन लगातार यही प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर डॉक्टर बताएंगे कि आखिर पापा के दिमाग का इलाज अब कैसे होगा, कैसे उनको पता चलेगा कि वो कौन है और हम कौन है जो उनके साथ घूम रहे हैं, और उनका परिवार कौन है, उनके बच्चे कौन है, अभी उनको कुछ नहीं पता हमारे बारे में। तो चलो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ना पापा अब जैसे जैसे पापा का इलाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ना मैं कैमरा नहीं पकड़ पाता हूँ, फ़ोन नहीं पकड़ पाता हूँ, तो कभी एक दो दिन के गैप में वीडियो आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ना आपके रोहित पहाड़ी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है, इंटरनेशनल ट्रिप की सीरीज आने वाली है, सब कुछ आएंगे, और छोटे छोटे सरप्राइज भी है पापा के घर आने के बाद। ऐसा कौन सा सरप्राइज आने वाला है, ऐसा क्या आने वाला है आपके रोहित पहाड़ी के और घर में, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज के ब्लॉग में कमेंट करना, लाइक करना, इसलिए क्योंकि रोहित पहाड़ी का चैनल खत्म ना हो जाए, डेड ना हो जाए, क्योंकि पापा के लिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, डेढ़ महीना होने वाला है, अभी कब तक होऊंगा ये पता नहीं, बट मुझे पता है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, बट फिर भी यार कमेंट लाइक इसलिए करना कि चैनल बचा रहे, फिर मैं जब पापा ठीक हो जाएंगे ना फिर बढ़िया बढ़िया आपको सीरीज दिखाऊंगा इंटरनेशनल वाली, ठीक है, बाय बाय। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव।